अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारी संबंधित नेतागण जोर शोर से कर रहे हैं। इसी के साथ पार्टियों में अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है। पहले कहा जाता था कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट होने की वजह से शुजालपुर विधानसभा चुनाव हारने का कारण बनता है, लेकिन शुजालपुर विधानसभा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है तथा पार्टी दो भागों में बंटी हुई नजर आ रही है। पूर्व विधायक जसवंत सिंहाड़ा, जिनको क्षेत्र की जनता एवं जिले की जनता विकास पुरुष के नाम से जानती है, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने शुजालपुर विधानसभा सहित पूरे जिले भर में नहीं किया। उनका जन्म दिवस जटाशंकर महादेव मंदिर प्रांगण शुजालपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्म दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व विधायक ने भगवान जटाशंकर महादेव का रुद्राभिषेक भी किया तत्पश्चात कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य रूप से जन्म दिवस मनाया गया। वहीं दूसरी ओर वर्तमान शुजालपुर विधायक शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में ग्राम बोलाई स्थित सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ के साथ दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सदस्य सहित भाजपा के नेतागण मौजूद रहे। सभी ने सुंदरकांड पाठ का आनंद लिया और हर्षोल्लास के साथ मिलन समारोह का आयोजन किया। दोनों कार्यक्रम एक ही दिन और एक ही समय पर होने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति रही। एक तरफ पूर्व विधायक जिन्होंने अपने कार्यकाल में काफी विकास कार्य किए, जो कि विकास आज लोगों को दिख रहा है, तथा दूसरी ओर शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम। कई कार्यकर्ता दोनों कार्यक्रमों में शामिल हो गए, लेकिन कई कार्यकर्ता एक जगह पर ही शामिल हो पाए। जो बोलाई कार्यक्रम में चला गया वह शुजालपुर नहीं जा पाया और जो शुजालपुर चला गया वह बोलाई नहीं जा पाया। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.